गुड आफ्टरनून, मैं माया सांकला, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएन बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी? बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं, लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। अपनी जो पढ़ाई चल रही थी हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा एक टॉपिक चल रहा था बीएड पार्ट फर्स्ट या अधिगम एवं शिक्षण विषय का अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन के हम लोगों ने प्रकार पढ़ लिए थे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोगों ने दो प्रकार के उनकी डिटेल भी पढ़ी थी कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। आज हम इन दोनों में क्या होता है, काफ़ी कुछ नए सिमिलरिटी है, यानी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या चीज़ है। इसलिए इसमें जो माइनर से जो डिफरेंस है वो आज हम लोग उनको दोनों को वो जो दो डिफरेंस है दोनों में उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मुख्य मुख्य अंतर क्या है। इनको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि हम लोग को याद करने में भी आसानी हो। पहला पॉइंट हमारा रेखीय और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर के जो आधार होते हैं, मेन पॉइंट होता है कि इसको बेस किसको माना जाए। अगर वो याद हो जाएंगे तो आप अंदर जो मैटर है वो अपने आप आपको याद आ जाएगा अगर आपका पढ़ा हुआ हो रहेगा अच्छे से। तो फर्स्ट है हमारा प्रवर्तक के रूप में, फर्स्ट अंतर में है हमारा प्रवर्तक, यानी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उनके प्रवर्तक है बीएफ स्किनर, और जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसके है नॉर्मन ए क्राउडर। जैसे हम लोग ने पढ़ा था वैसा ही है कि दोनों में पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि प्रवर्तक का डिफरेंस होगा कि पहले ना रेखीय को किसने किया था और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रवर्तक कौन है, पहला अंतर ये। सेकेंड अंतर है शिक्षा पदों का आकार, पद जो होते हैं यानी पद किस प्रकार के बनते हैं, जो दोनों में जो फ्रेम के हो, जो फ्रेम या जिसको पद कहते हैं हम लोग, उनका आधार क्या होता है। तो जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उनके हम लोग तीन प्रकार पढ़े थे। जैसे पढ़े थे इनमें छोटे दो तीन पंक्तियों में होता है पदों का जो आकार होता है, सॉरी साइज बता रहे हैं यहाँ पर कि साइज कैसी होती है। जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है मैं पहले ही बताया था कि इसमें प्रश्न भी छोटे होते हैं और जो पद होते हैं, जो फ्रेम होते हैं, वो भी काफ़ी छोटे होते हैं। इसमें एक या दो लाइन या मैक्सिमम तीन लाइन एक सेंटेंस हो जाना चाहिए, एक तीन लाइन का एक सेंटेंस हो या दो लाइन का एक सेंटेंस हो वैसा बनता है, ये होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। बट अब शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है कि जो पद के जो आकार होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, एक बड़ा पैराग्राफ हो सकता है या पूरा का पूरा एक पृष्ठ भी हो सकता है इसमें पद के आकार में। दूसरा अंतर ये हुआ। तीसरा अंतर है पदों की संख्या। रेखीय अभिक्रम जो पद की संख्या होती है, कितने पद बनेंगे टोटल उनके संख्या में है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अगर हमारे जो हम लोग पद जो छोटे ले रहे हैं तो ऑब्वियस है कि पद छोटे होंगे तो उनकी जो पदों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा मीटर ले रहे थे, छोटे छोटे मीटर लेने के कारण वो बड़े रूप में हो जाएंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा होगी। और जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन उनमें बड़ा पृष्ठ आता है, एक साथ एक पद में एक बड़ा पृष्ठ आ जाता है, इस कारण वहाँ पदों की संख्या मीटर ज़्यादा आ जाता है एक पेज में ही, इसलिए वहाँ पदों की जो संख्या है वो वहाँ पर कम हो जाएगी। नेक्स्ट अंतर है पदों का प्रकार, किस प्रकार के पद बनते हैं। पहले हम लोगों ने कि उनकी संख्या लिखी थी कितने कितने कम होते हैं कितने ज़्यादा होते हैं, अब पदों का प्रकार है कि पद किस प्रकार के बनते हैं। तो जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उनमें तीन प्रकार के पद बनते हैं। जैसे पहले होते हैं प्रस्तावना पद होता है, प्रस्तावना में क्या होता है पहले का जो ज्ञान रहता है, पूर्व ज्ञान जो होता है शिक्षार्थी का, उस ज्ञान को हम नवीन ज्ञान से जोड़ना होता है। उसके बाद में आता है शिक्षण, फिर अभ्यास और फिर होता है परीक्षण। ये तीन पद बनते हैं उनमें कि बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, फिर उनको शिक्षण देना है, फिर उनका अभ्यास करवाना है उस चीज़ का, और उसके बाद में उनका मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है। पर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, इसमें संख्यात्मक और उपचारात्मक दो पद होते हैं। संख्यात्मक मीन्स पहला पृष्ठ वो होता है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, वो मैटर जो उसका वो लिखा होता है। उसके बाद में जब उसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तो अगर वो उत्तर गलत उत्तर देता है तो हमें उसका निदान करते हैं, निदान करने के बाद हम लोग उसका उपचार करते हैं। तो इन जो पदों का प्रकार होगा वो संख्यात्मक और उपचारात्मक होता है। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मीन्स जो विद्यार्थी जो होता है, जो शिक्षण ग्रहण कर रहा है, जो उन पदों को पढ़ रहा है, वो प्रतिपुष्टि अपनी किस प्रकार देंगे। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में तो तुरंत प्रतिपुष्टि हो जाती है क्योंकि वो उनका उत्तर प्रश्न देते हैं और अगर उनका गलत उत्तर रहता है तो उनको पता चल जाता है कि ये उत्तर हमारा गलत है और उनको वापस वो चीज़ पढ़नी पड़ती है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, ये जो प्रतिपुष्टि का जो होता है वो अस्पष्ट होता है, क्योंकि अगर उनके उत्तर गलत भी रहते हैं तो उनके गलत उत्तर का सही उत्तर बताकर फिर उनको वापस पढ़ाया जाता है और फिर से दोबारा वही प्रश्न पूछा जाता है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो अस्पष्ट और उपचारात्मक निर्देश के अनुसार चलती रहती है उनकी। सिद्धांत यानी दोनों जो शाखीय और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है।
तो सिद्धांत जैसा कि इसका बी एफ स्किनर है, इनके जो प्रवर्तक है रैखिक अभिक्रमित अनुदेशन के, तो इनका जो अधिगम का जो सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत था, इसी के ऊपर आधारित है ये सिद्धांत भी है। द्वितीय दूसरा है जो शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन होता है, शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन का थांडाई का जो सूज का सिद्धांत है, थांडाई का हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अधिगम के नियम में पढ़ा था थांडाई के नियम, उसमें जो सूज का सिद्धांत था, यानी सूज के जो सिद्धांत होते हैं उनके ऊपर आधारित ये होता है। नेक्स्ट है त्रुटि का स्तर, यानी जो गलतियां करते हैं उनका लेवल क्या होता है, उसमें है रेखीय में क्या होता है, बार बार गलती करके लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, यानी जो विद्यार्थी होता है उसका प्रश्न पढ़ता है, फिर उसका प्रश्न पढ़ता है, फिर उसका उत्तर होता है, गलत उत्तर होता है, फिर से उसको पढ़ना पड़ता है, फिर गलत होता है तो फिर से उसको पढ़ना पड़ता है, यानी बार बार वो पढ़ता है, फिर बार बार गलती करता है, त्रुटि कर करके वो सीखता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, गलती का मौका ही नहीं बल्कि संभावित त्रुटियों के आधार पर ही ढांचा निर्माण किया जाता है, यानी जो गलती करने वाले हैं बच्चे, जो उसका पदों के निर्माण करता है, उनको पता रहता है कि जो बच्चे अगर इस तरह की गलती करेंगे तो उनके लिए हम लोगों को किस प्रकार का आगे का पद तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो बोध का स्तर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सामान्य या जो नॉर्मल जो बोध करवाया जाता है साधारण सा जीवन यापन के लिए, यानी समझ लो कि हम लोग साधारण जो ज्ञान होता है उसका ही बोध करवाया जाता है, लेकिन जो शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन में है उच्च कक्षाओं के लिए होता है या प्रखर बुद्धि वाले होते हैं उनके लिए ये ज्ञान का जो स्तर होता है इस स्तर का होता है। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है जो इसमें जो कक्षाएँ होती है ये हम लोग छोटी कक्षाओं पर ही इनका प्रयोग रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो पदों की संख्या छोटी होती है और थोड़ा थोड़ा बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस कारण सिलेबस अगर हमारा थोड़ा होगा, छोटा सिलेबस होगा तभी हम लोग उसको कंप्लीट कर पाएंगे, जबकि शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन में ये जब बड़ा सिलेबस होता है उसको ही कंप्लीट करने के लिए, यानी बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो बच्चे जो होते हैं, बच्चों का लेवल देखा जाता है कि बच्चों का जो लेवल, यानी सामान्य बालक मंद बुद्धि बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, संख्या भी ज़्यादा होती है उनकी, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ के उनका उत्तर देते हैं और गलत उत्तर देता है तो वो वापस उसको पढ़ना पड़ता है, तो खुद ही अपनी प्रतिपुष्टि करते हैं और उनका उत्तर देकर आगे की ओर सीखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बच्चे लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, उनमें रहते हैं कि ये बच्चे ना एक गेम को जब उस लेवल जो लेवल बने हुए रहते हैं गेम में उस लेवल को तब तक क्रॉस नहीं कर सकते जब तक वो उसको सही कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक उसका सेकेंड लेवल है वो खुलता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही इसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में होता है कि छोटे बालक या सामान्य बालक या मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, जबकि शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन होता है जो उच्च प्रखर बुद्धि वाले जो होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इनमें पदों की संख्या बड़ी होती है, कम से कम एक पृष्ठ तो होता ही है उसमें, इसलिए जो छोटे बालक होते हैं वो उनको एक साथ नहीं पढ़ पाते, इसलिए ये बड़े प्रश्न और प्रखर बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनके लिए ये उपयुक्त होता है। तो ये दोनों ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन था, ये इन दोनों में मेन डिफरेंस था। थोड़ा सा अगर इसको पॉइंट बाई पॉइंट अगर हम लोग याद रखते हैं तो वो आसानी से हमें याद हो जाता है, फिर उसको अंदर से मेटा देखने की जरूरत नहीं, केवल पॉइंट का जो आधार है, यानी अंतर का जो आधार है उनको हम लोग याद रख लेंगे तो अंदर हम लोग इजीली हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको जो समझाया है, जो अंतर वो जो बताया गया है, वो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि हमें कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है पढ़ने में या समझने में, तो हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।